हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे आईबॉल बैटन वाईफाई राउटर की सेटिंग्स में जा करके हम किसी भी डिवाइस को ब्लॉक या फिर अनब्लॉक या फिर नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस की जो सेटिंग होती है कि एक टाइम पर हमें कितने डिवाइसेस को हमारे राउटर से कनेक्टेड रखना है, उसकी सेटिंग हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई अगर अनऑथोराइज या अनऑफिशियल डिवाइस है जो कि आपके वाईफाई को कनेक्टेड है तो उसे भी हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे फ़ोन पर क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। उसमें जा करके जो ये एडमिन लॉगिन होता है 192.168.1.1, ये जो आईबॉल बैटन का वाईफाई आईपी एड्रेस है, उस पर जा करके हमें एडमिन पासवर्ड पुट करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही हम लॉगिन कर लेंगे ये, तो यहाँ पे हमें ये एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल वाला ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि जिस डिवाइस से मैंने लॉगिन किया है वो एक नेटिव डिवाइस है और जो दूसरा डिवाइस है वो अनऑथराइज डिवाइस है, उसे हमें ब्लॉक करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे और सेव करेंगे तो यहाँ पे ये डिवाइस हमारा ब्लॉक हो चुका है। ये था काफ़ी बेसिक सेटअप। अगर आपको एडवांस में जाना है, जैसे किसी स्पेसिफिक डिवाइस को आपको किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए ही अगर देना है एक्सेस, या फिर आपको अगर ऐसी सेटिंग्स करनी है कि वो पर्टिकुलर डिवाइस किसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स को ही एक्सेस कर पाए या फिर उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स को एक्सेस ना कर पाए, तो वो भी यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल्स ऑप्शन में से आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे अलाउ या डिनाय जो भी वेबसाइट्स आपको करनी है और टाइमिंग जो आपको सिलेक्ट करना है उस डिवाइस के लिए, तो उसे आप सेव कर सकते हो, जिससे कि आपकी सारी सेटिंग सेव हो जाएगी। इसके बाद हमें मेंटेनेंस वाले ऑप्शन में जा करके एक बार हमारे राउटर को रिबूट कर लेना है या फिर रिस्टार्ट कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे हमारा जो रिस्टार्टेड राउटर है वो हमारी न्यू सेटिंग्स को फॉलो करेगा और किसी भी अनवांटेड या अनऑथराइज डिवाइस को हमारे वेबसाइट्स को या फिर हमारे राउटर को एक्सेस नहीं करने देगा। तो काफ़ी सिंपल स्टेप्स थे, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने अनऑथराइज जो डिवाइसेस है आपके वाईफाई से कनेक्टेड उन्हें आप ब्लॉक कर सकते हो या फिर इन डिवाइसेस की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे ऐसी किसी हेल्पफुल टिप्स या ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।